हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। इस चैनल पे दो दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक अच्छी वैकेंसी है नॉन टीचिंग की, जिसमें लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग की विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है और IIT में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और यह जो वैकेंसी है ना IIT से ही संबंधित है। तो IIT में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और विभिन्न पद हैं, यानी नॉन टीचिंग के इतने सारे पद हैं कि मैं क्या बताऊँगा आपको। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो में ना 2-3 एडवर्टाइजमेंट ऐड करने वाला हूँ, यानी सबसे पहले मैं बताऊंगा लाइब्रेरियन की वैकेंसी, इसके बाद नॉन टीचिंग के जो अदर पोस्ट है ना उसके बारे में एक अलग सेपरेट एडवर्टाइजमेंट है। सेम संस्था में, सेम IIT में आवेदन आमंत्रित हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है उसकी हम बात करें, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और अंतिम तिथि अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें कि यह जो पद है ना, लाइब्रेरियन का पद है और पोस्ट कोड है 5755, कुल एक पद हैं और सैलरी है 1,44,200 रुपये 7 CPC के अनुसार। इसके अलावा जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी एक पद है और सैलरी है 21,700 रुपये। लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट है 57 साल और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक, और साथ में जो है 10 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग, या डिप्टी लाइब्रेरियन यानी हायर यानी डिप्टी लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस है, या असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कॉलेज लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा PhD क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए BSc मांगा हुआ है 50% अंक के साथ में, और कम से कम 3 ईयर का डिप्लोमा जूलॉजी या वेटनरी साइंस में है आफ्टर 12 के बाद, और 55% अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी BSc या डिप्लोमा। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी लाइब्रेरियन से रिलेटेड। अब हम दूसरी बात करें, एक बड़ी वैकेंसी की हम बात करें, जो एक बड़ी वैकेंसी के बारे में आवेदन आमंत्रित हैं, तो यहाँ पे लेकर आ गया हूँ मैं आपको। अब मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 7 मई 2024 तक हैं, और 7 मई 2024 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो विभिन्न डिटेल की बात करें, तो सबसे पहले मैं पद दिखा दूँ कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बहुत अच्छा जॉब है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट का नेम है, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज है, और यहाँ पर टोटल पद हैं। यहाँ पर 7 CPC के अनुसार जो है पे लेवल दिया गया है, और यहाँ 7 CPC के अनुसार आपकी जो सैलरी बन रहा है वो दिया गया है। अब इसमें जो बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एक एक पद हैं, और यह जो पद हैं बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। फर्स्ट पद के लिए यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29,200 रुपये सैलरी है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21,700 रुपये पर मंथ सैलरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आवेदन आमंत्रित हैं, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है, सैलरी है 35,400 रुपये, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है 4 पद हैं, सैलरी है 21,700 रुपये। इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है, 35,400 रुपये सैलरी है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के एक पद हैं, 21,700 रुपये सैलरी है। केमिस्ट्री में विभिन्न पद हैं, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद है, 29,200 रुपये सैलरी है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एक पद है, सैलरी तो जो है 21,700 रुपये है। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद है एक और 29,200 रुपये सैलरी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 2 पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी है। कंप्यूटर सेंटर में बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पद हैं, 35,400 रुपये सैलरी हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, 29,200 रुपये सैलरी हैं, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पद हैं और 47,600 रुपये पर मंथ सैलरी हैं, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पद हैं, 35,400 रुपये सैलरी हैं, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं, 21,700 रुपये सैलरी है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म में जो है कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पद है और 21,700 रुपये सैलरी है।
इस तरह से इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है और 47,600 रुपये सैलरी हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद है, 35,400 रुपये सैलरी हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए चार पद हैं और 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए चार पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें भी विभिन्न पद हैं, जिसमें टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए दो पद हैं और 47,600 रुपये सैलरी हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद हैं और 35,400 रुपये सैलरी हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं और 29,200 रुपये सैलरी हैं। और टेक्निकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए चार पद हैं, 21,700 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। मैथमेटिक्स में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो पद हैं और 21,700 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के दो पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी हैं। मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद हैं और 47,600 रुपये सैलरी हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद हैं, 35,400 रुपये सैलरी हैं। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी हैं। इसी तरह से फिजिक्स में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं और 29,200 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस में भी सेम आवेदन आमंत्रित हैं, यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं और 21,700 रुपये सैलरी हैं। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के एक पद हैं और सैलरी सेम हैं। अदर टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो एक अच्छी वैकेंसी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए एक पद हैं और सैलरी हैं 1,23,100 रुपये पर मंथ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो है सैलरी है 67,700 रुपये। साइंटिफिक ऑफिसर के सैलरी हैं 57,700 रुपये। वर्कशॉप मैनेजर के जो सैलरी है 56,100 रुपये। और आईटी यानी आईसीटी नेटवर्क यानी मैनेजर नेटवर्किंग का जो पद है इसके लिए 56,100 रुपये सैलरी है। और मैनेजर आईसीटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सैलरी सेम है। और इंडस्ट्रियल लाइबल ऑफिसर के लिए भी सैलरी सेम है। असिस्टेंट मैनेजर आईसीटी नेटवर्क में जो सैलरी है 57,600 रुपये। जूनियर इंजीनियर के लिए जो सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ और टोटल चार पद हैं। और अभी तक जो मैं पद बताया ना अदर टेक्निकल पोस्ट में सब में एक एक पद है। इस तरह से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए दो पद हैं और 35,400 रुपये सैलरी हैं। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर के लिए दो पद हैं और 35,400 रुपये सैलरी हैं। इस तरह से टोटल 74 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में विभिन्न पद की हम बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक पद है और सैलरी है 78,800 रुपये। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक और पद है और 78,800 रुपये सैलरी है। हिंदी ऑफिसर में जो है एक पद है और 56,100 रुपये सैलरी है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो है दो पद हैं और 47,600 रुपये सैलरी है। सुपरिटेंडेंट के लिए तीन पद हैं और 47,600 रुपये सैलरी है। मैनेजर फैसिलिटीज में सात पद हैं और 35,400 रुपये सैलरी है। इसी तरह से जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो पद है सात पद हैं और जो मैनेजर का पद था वो एक था और सैलरी सेम है। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है 12 पद हैं और 29,200 रुपये सैलरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पद हैं टोटल 20 पद हैं और सैलरी है 21,700 रुपये। इस तरह से टोटल पद की बात करें तो 48 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छा रिक्रूटमेंट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छा वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट जो इसमें दी गई है उसमें एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। हम बात करते हैं पोस्ट कोर्स के अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल पोस्ट जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में भी बीटेक या बीएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। विभिन्न डिसिप्लिन की बात करें तो बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी या बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में 55% अंक हैं या इक्विवेलेंट हैं तो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन 3 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में है, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या अप्लाइड साइंस या इक्विवेलेंट 55% अंक हैं या बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आफ्टर 12 के बाद हैं 55% अंक के साथ में और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है 27 साल है और क्वालिफिकेशन में बीटेक या बी या बीएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अभी जो विभिन्न सब्जेक्ट का नाम मैं बताया था ऊपर वही सब्जेक्ट हैं और 50% अंक होना चाहिए। यदि हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करेंगे। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड या अप्लाइड साइंस या इक्विवेलेंट जैसे बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आफ्टर 12 के बाद हैं 55% अंक
के साथ में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि सभी पद के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना यानी जरूरी है, कंप्यूटर का ज्ञान है तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस तरह से अलग जो पद है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में जो पद हैं इसकी हम बात करें तो इसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री विभिन्न डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन की बात करें तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस में 55% अंक हैं और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस या स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बीटेक या इक्विलेंट क्वालिफिकेशन 55% अंक में विभिन्न सब्जेक्ट जो ऊपर मैं नाम लिया था इन सब्जेक्ट के साथ में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या बीएससी इक्विलेंट विभिन्न सब्जेक्ट का नाम जैसे अभी मैं ऊपर लिया था इस सब्जेक्ट में 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। या ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या अप्लाइड साइंस में इक्विलेंट सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास क्वालिफिकेशन है आफ्टर 12वीं क्लास पास आउट के बाद 55% अंक के साथ में जो भी डिप्लोमा है उसमें होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एज लिमिट है 35 साल जो केमिकल इंजीनियरिंग में आवेदन आमंत्रित हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या अप्लाइड साइंस में 55% अंक के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है स्कूल लेवल का है तो भी चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। या ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है और बीटेक या इक्विलेंट क्वालिफिकेशन है विभिन्न सब्जेक्ट में जो मैं अभी मैं नाम बताया था और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन में बीटेक या बीएससी इक्विलेंट क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या अप्लाइड फील्ड में 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड या अप्लाइड साइंस या इक्विवेलेंट केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या अप्लाइड फील्ड में आफ्टर ग्रेजुएट के बाद है और 55% अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस इस डिप्लोमा के साथ में होना चाहिए। इस तरह से केमिस्ट्री में जो आवेदन आमंत्रित हैं बीटेक या बीएससी या इक्विवेलेंट केमिकल साइंस में 55% अंक के साथ में हैं और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या अप्लाइड साइंस में या इक्विवेलेंट केमिकल साइंस में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 55% अंक के साथ में हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन है बीटेक या बीएससी या इक्विवेलेंट केमिकल साइंस में 55% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या अप्लाइड साइंस या इक्विवेलेंट केमिकल साइंसेस आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 55% अंक के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो आवेदन आमंत्रित हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में बीटेक या बीएससी इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग में 55% अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। लेकिन साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आफ्टर 12th के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना कंपलसरी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन में बीटेक या बीएससी या इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग में सेम क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% अंक के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है स्कूल लेवल का है तो भी चल जाएगा। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बीटेक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 55% अंक के साथ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी के फील्ड में हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का भी चल जाएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या बीएससी आपके पास कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन के फील्ड में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा के साथ में आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट है 27 साल, तो सभी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन संबंधित सब्जेक्ट में है और एज लिमिट है 27 साल। तो बी बी टेक या बी एस सी या इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आई टी के फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं, बट जो भी क्वालिफिकेशन है 50% अंक होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा आपके पास में है और 1 साल का एक्सपीरियंस है विभिन्न डिसिप्लिन में डिप्लोमा संबंधित फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो पद हैं एज लिमिट है 57 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है पे लेवल 6 के अनुसार होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% अंक के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बी बी टेक या आपके पास बी टेक या इक्विवेलेंट 55% अंक के साथ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में क्वालिफिकेशन है और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस चल जाएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन यानी बी बी टेक बी एस सी इक्विवेलेंट साइंस कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, 55% अंक के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या सेम सब्जेक्ट में 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन में भी बी टेक या बी एस सी कंप्यूटर साइंस में है 50% अंक के साथ में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन साइंस अप्लाइड साइंस में या कंप्यूटर साइंस में है आफ्टर ग्रेजुएट के बाद 55% अंक हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में जो आवेदन आमंत्रित हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और सेम क्वालिफिकेशन अभी जो मैं ऊपर बताया हूँ सेम क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। इस तरह से टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 37 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दी गई है जो आपको खुद देखना है। टेक्निकल जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी के फील्ड में है 55% अंक के साथ में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी बी टेक कंप्यूटर साइंस एंड आईटी या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है 55% अंक के साथ में और इसके साथ में जो है 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 33 साल और क्वालिफिकेशन में बी बी टेक या बी एस सी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के फील्ड में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। या डिप्लोमा के साथ में 55% अंक हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन है बी बी टेक या बी एस सी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन के अनुसार मार्क्स जो 50% होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में या इक्विवेलेंट 55% अंक के साथ में और 1 साल का एक्सपीरियंस है यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मास्टर डिग्री साइंस या इंजीनियरिंग के फील्ड में है, विभिन्न इंजीनियरिंग का नाम दिया है और 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। इस तरह से जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट है 35 साल और मास्टर डिग्री इसी में या डबल ई में है 55% अंक या विभिन्न सब्जेक्ट दिया है इनमें है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का होगा तो भी चल जाएगा। इस तरह से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल, इसमें भी विभिन्न इंजीनियरिंग के फील्ड में जो है सेम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है या डिप्लोमा आपके पास है और 5 साल डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यदि डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको एज लिमिट तो पता ही है सभी पद के लिए और क्वालिफिकेशन भी सेम है, ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% अंक के साथ में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करेंगे। या डिप्लोमा सेम सब्जेक्ट में है 50% अंक के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप
आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए लेवल स्तर L10 का जो पद है या इससे ऊपर का जो पद है 1000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और अन्य सभी पद के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। अप्लीकेशन शुल्क एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए महिला भूतपूर्व सैनिक जो जोधपुर यानी राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई भी शुल्क अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी है ना IIT जोधपुर में आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो एक अच्छी वैकेंसी है IIT जोधपुर में। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा जो वेबसाइट बनाया गया है उस वेबसाइट से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। अदर टेक्निकल और इंजीनियरिंग पोस्ट में जो इंजीनियरिंग पोस्ट हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन एक मैं बता देता हूँ कि ME MTech सिविल इंजीनियरिंग में 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, पे लेवल 10 के अनुसार, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या BTech डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 साल के एक्सपीरियंस है, पे लेवल 11 या 12 के अनुसार, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है संबंधित फील्ड में और 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल L10 के अनुसार होनी चाहिए। या BTech है तो भी 5 साल का एक्सपीरियंस L level पे लेवल L10 के अनुसार होने चाहिए। और साइंटिफिक ऑफिसर एजुकेशन में जो आवेदन है तो इसमें PhD डिग्री मांगा हुआ है संबंधित फील्ड में। और वर्कशॉप मैनेजर के लिए ME MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या BTech है फर्स्ट डिवीजन और 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर ICT नेटवर्किंग के लिए जो है इसमें भी ME MTech मास्टर डिग्री मांगा हुआ है और साथ में जो है CGPA का जिक्र किया गया है, जो 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमें लगता है कि सभी मैनेजर पद के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी ME MTech या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट जो भी क्वालिफिकेशन है 55% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या BTech फर्स्ट डिवीजन है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जूनियर असिस्टेंट का भी ऐसे दिया हुआ है और एज लिमिट तो 35 साल, आपको पता ही है कि एज लिमिट है 35 साल। तो इस तरह से असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर के लिए भी एज लिमिट है 35 साल और BTech इंजीनियरिंग में है, 55% अंक के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन है एज लिमिट है 50 साल और मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में और UGC पॉइंट स्केल यानी ग्रेड बी UGC 7 पॉइंट स्केल आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 9 साल का एक्सपीरियंस मंगा हुआ है इस पद से रिलेटेड। और डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। हिंदी ऑफिसर के लिए आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का होना कंपलसरी है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो है एज लिमिट है 35 साल और सुपरिटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट है 35 साल। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है संबंधित फील्ड में, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, पे लेवल 6 के अनुसार, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर के लिए भी एज लिमिट है 35 साल और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट है 35 साल। मैनेजर के लिए जो है बैचलर डिग्री एनी फील्ड में 55% अंक के साथ में है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री 55% अंक है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल कर सकते हैं। यदि बैचलर डिग्री है तो एक्सपीरियंस 5 साल का होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल तो और बैचलर डिग्री मांगा हुआ है 55% अंक के साथ में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी मैं पहले से क्वालिफिकेशन बताता आया हूँ, फिर भी बैचलर डिग्री है और MS ऑफिस का ज्ञान है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यह क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और